अरे मोहन भाई, हमें भी दिखाओ अपना ग्रीन हाउस। हम लोग भी जैविक कृषि की विधि सीखना चाहते हैं। सर नमस्ते। जी बिल्कुल, आइए आइए, ये है हमारी नर्सरी। आज मेरा मोहन आत्मनिर्भर बन गया और ये सब CBM की सहायता से ही संभव हो सका। देखो मोहन कितना खुश है, अपने से सब कुछ कर रहा है, खेती में मदद करता है, दुकान चलाता है, अपना खर्चा और घर के खर्चे में हाथ बटाता है, जैविक खाद बनाने की विधि सीख ली उसने। हमारा मोहन पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है। अरे वाह, देखो बेचारे मोहन को ऐसे ही दिन भर बैठा रहता है। विकलांगता की वजह से मोहन कोई काम भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, उससे क्या उम्मीद है। अरे इसके अलावा वो कर ही क्या सकता है। मोहन का तो दुर्भाग्य है, वो तो जन्म से ही विकलांग है, क्या किया जाए, ये तो पूर्व जन्म का पाप है। जीवन भर मोहन घर वालों के लिए बोझ बनकर रह जाएगा। माँ क्या मैं कोई काम नहीं कर सकता, हमको भी कुछ काम करना है। कैसे बेटा, तुम इस हालत में कैसे कोई काम कर पाओगे। अरे बेटा तुम तो घर पर ही रहो, अब भगवान की जब यही मर्जी है। अरे तुम उदास होकर यहाँ क्यों बैठे हो, वहाँ उन लोगों के साथ क्यों नहीं। सर क्या मैं कोई काम नहीं कर सकता, मेरे विकलांगता के कारण कोई भी मुझे साथ नहीं रखता, लोग बोलते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मोहन मेरे साथ चलो, हम आपके घर वालों के पास जाएंगे, हम लोग दिव्यांगों के साथ काम करते हैं। आप सभी को नमस्कार। हम सब मिलकर मोहन के साथ काम कर सकते हैं, मोहन भी हम लोगों के जैसे काम कर सकता है। ये कैसे हो सकता है, हम सब किसान हैं, मोहन खेतीबाड़ी का काम कैसे कर सकता है, वो तो विकलांग है। आप लोगों के समूह का सदस्य बनकर। अच्छा वो कैसे। हाँ जो आप लोग करते हैं वैसे मोहन भी करेगा। पहले उसकी विकलांगता के बारे में अच्छे से डॉक्टर से जानकारी लेकर और उसे उपयुक्त सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर और खेती बाड़ी हेतु सहज उपकरण व यंत्रों को उपलब्ध कराकर। जी जी मैं समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई, मैं आप लोगों की बात समझ गई हूँ। मैं अपने मोहन को लेकर आज ही डॉक्टर के पास जाऊंगी। मैं अपने बच्चे को अब इस हालत में अब और नहीं देख सकती। मैं आज ही जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को लेकर आज ही डॉक्टर के पास जाऊंगी। देखिए अब हमें अपने आसपास की जगह पर कुछ बदलाव करना होगा, जिससे आपके गांव में जितने भी दिव्यांग जन हैं उनका चलना फिरना सुविधाजनक हो सके। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ हाँ मैं भी चलूंगी। चलिए चलिए। बांस के प्रयोग से रेलिंग बनाना, जिससे दिव्यांग जन बांस को पकड़कर चल सकें। ऊंचे नीचे रास्तों को बराबर करना, जिससे दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल चलाने में आसानी हो सके। स्कूलों में दिव्यांग जन बच्चों को आने जाने के लिए रैंप बनवाना, डिसेबल फ्रेंडली शौचालय का निर्माण कराना। ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए अब मोहन को आत्मनिर्भर बनाना है, हमें मोहन की पसंद पहचाननी होगी और उसके अनुसार मोहन को प्रशिक्षण देना होगा। जैसे जैविक कृषि उत्पादन में प्रशिक्षण, विपणन के लिए, खेती करने के लिए, देसी खाद बनाने के लिए, दुकान चलाने के लिए, किसान सुविधा केंद्र चलाने के लिए, आटा मसाला पीसने की चक्की लगाने के लिए। सर नमस्ते, मैं अभी अभी सरकारी दफ्तर से आ रहा हूँ, अब मुझे मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी है, जैसे नौकरी पाने के लिए रिजर्वेशन, विकलांगता पेंशन और स्वरोजगार इत्यादि के बारे में। और हाँ,
स्कूल में भी दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष अध्यापक की नियुक्ति के लिए मैंने आवेदन दिया है। दिव्यांग लोगों के लिए रास्ता बनवाया है, लिफ्ट लगवानी है, शौचालय निर्माण कराना है। सर, आप लोगों ने मेरा जीवन जीने योग्य बनाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मोहन, ये मेरा फर्ज था आपको समझाना, ये सब दिव्यांग लोगों का अधिकार है। सर, अब मेरा फर्ज है गांव के दिव्यांग लोगों के लिए जो हो सकता है मैं करूंगा, अपने जैसे सबको सक्षम बनाऊंगा। मैं उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा और उनको मिलने वाली सारी सुविधाओं के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। मोहन, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं, समूह आपके साथ है, हम सब मिलकर विशेष लोगों को सक्षम बनाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है।